आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू नर्वस डिसऑर्डर्स। कोर्स के मुताबिक जो डिसऑर्डर्स हैं, वैसे तो बहुत से डिसऑर्डर्स हैं नर्वस डिसऑर्डर्स, ओके, बट जो आपके कोर्स में बुक में चैप्टर 17 में है, दीज आर 3 डिसऑर्डर्स। यू कैन सी दिस, द फर्स्ट वन इज़ कॉल पार्किंसन डिजीज़, सेकेंड इज कॉल एपिलेप्सी, थर्ड इज कॉल अल्जाइमर डिजीज़, ओके। हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो डिसऑर्डर है डेट इज़ कॉल पार्किंसन डिजीज़। ये जो नेम है, ये एक साइंटिस्ट था जेम्स पार्किंसन, जिसने इस पर काम किया, ठीक है। इस पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है, कुछ फीचर्स लिखे हैं, डेट इज़ इनवॉलेंट्री ट्रीमर्स, डैमेज मोटर पावर एंड रिजिडिटी। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो ये बहुत लेट एज में स्टार्ट होती है, जो नेचुरल वे में है। पार्किंसन डिजीज़ में बॉडी शेकी बिहेवियर शो करती है, ओके। इनवॉलेंट्री यानी कि विदाउट अवर कंट्रोल जर्क्स लगती, जैसे सर का ऐसे तेज से हलाना या हाथों का हलाना, स्पेशली अगर आपने नोट किया तो एजड लोग काफ़ी होते हैं, ख़ास एज पर जाके, हर एजड पे नहीं, कुछ जो एजड होते हैं उनमें जो है ये सिम्टम्स साइन शुरू हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ एज। तो ट्रीमर्स कहते हैं कपकपी को, यानी बॉडी जो है शेकी हो जाती है, हिलती है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल नहीं होता, डैमेज मोटर पावर, ठीक है, और जो मैसेज है पावर है वो ख़त्म हो जाती है, ओके, एंड जो है वो जो उसमें आ जाती है रिजिडिटी। अब सेकंड है डेट इज़ सेल डेथ इन ब्रेन। अब होता क्या है इस पार्किंसन डिजीज़ में, ठीक है, जो नेचुरली है सेल डेथ इन ब्रेन, ब्रेन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं डेट प्रोड्यूस डोपामाइन, तो वो पार्ट ब्रेन का जो डोपामाइन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, दिस इज़ डोपामाइन एंड डोपामाइन इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर। तो क्या होता है कि एक तो एज के हिसाब से या कोई एक्सीडेंट हो जाए, मोबाइल एक्सीडेंट वगैरह, अगर कोई ये पार्ट डैमेज हो जाए तो सेल डेथ इन ब्रेन दैट प्रोड्यूस डोपामाइन। अब दैट डोपामाइन जो एक न्यूरोट्रांसमीटर, इससे सारे रिफ्लेक्सेस और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, और डोपामाइन बहुत सारे और भी फंक्शन में इन्वॉल्व है। तो डेट इज़ द रीज़न, जब ये इस पार्ट की डेथ हो जाती है ब्रेन की पार्ट की, तो डोपामाइन प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है। जब ये डोपामाइन प्रोड्यूस नहीं होगा तो सो मेनी प्रॉब्लम्स डिसऑर्डर्स, और ये जो डिजीज़ है ये मोस्टली होती है 50 to 60 ईयर्स की एज में, लेकिन इससे पहले भी हो सकती है अगर कोई एक्सीडेंट केस हो जाए, और इसमें अगर ऐसी डिजीज़ हो जाए तो फिर भी सर्वाइवर के चांस काफ़ी होते हैं, 7 to 9 ईयर्स तक तो लोग आराम से जी लेते हैं, ओके। एंड इसके बाद हम बात करें तो समटाइम क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाए, कोई हेड ट्रामा आल्सो कॉज दिस पार्किंसन डिजीज़। अगर कोई ब्रेन का वो पार्ट जहाँ पे कोई डैमेज हो जाए एक्सीडेंट के केस में, तो डेफिनेटली वो पार्ट जो है वो डैमेज हो जाएगा, तो डोपामाइन प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। तो डोपामाइन की डेफिशिएंसी से ये डिजीज़ जो है अक्कर होती है, ओके। टुडे जो अवेलेबल है एल डोपा ड्रग मार्केट में अवेलेबल है एल डोपा ड्रग, इस पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट भी हुए। ये एल डोपा ड्रग जो है दैट इज़ अफेक्टिव अगेंस्ट दिस पार्किंसन डिजीज़, ओके। एंड इसके लिए को एक्सपेरिमेंट किया गया मंकीज पे और रैट्स पे, और यहाँ पर डोपामाइन को जो एब्जॉर्ब करती है प्रोटीन डेट इज़ कॉल्ड GDNF, डेट इज़ ग्लियल सेल लाइन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। यानी डोपामाइन तो प्रोड्यूस होता ही है, लेकिन उसको एब्जॉर्ब करने के लिए प्रोटीन है। तो ये सारा है रिलेटेड टू पार्किंसन डिजीज़, और ये ऐसा जेनेटिक केस नहीं है पार्किंसन डिजीज़ का, ओके, याद रहेगा जी। सेकेंड जो हम डिजीज़ की बात करेंगे डेट इज़ कॉल्ड एपिलेप्सी। एपिलेप्सी मिर्गी को बोलते हैं जिसमें फिट्स और दौरे पड़ते हैं, ठीक है। जल्दी पहले बता दूं मैं, झाग मुँह से निकलती है, इसके किसी में लकवा मुंह भी टेढ़ा हो जाता है, ये सारे ये होते हैं कुछ सेकंड्स और मिनट्स के लिए, और ये भी अर्ली एज में होती है, ऐसा सम पेशेंट एंड अर्ली एज में होती है, एज 30 से पहले 70 ईयर्स लेके 30 एज तक, और इसमें भी काफ़ी 15-20 साल तक लोग सर्वाइव कर सकते हैं, और 35-40 की एज पे जाके 45 पे डेथ भी हो जाती है। फिर एपिलेप्सी जो है इसमें यहाँ आप देख सकते हो कन्वल्सिव डिसऑर्डर, यानी
स्पेजमोटिक पावरफुली जो है वो बॉडी मूवमेंट करती है, लोगों के हाथ पांव उल्टी हो जाते हैं, एकदम से वो गिर जाते हैं, और मैंने जैसे बताया मुँह से झाग आती है, फोम बनता है, ये सारे इसके साइन सिम्टम्स हैं। इसकी मेन काज है रैपिड इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस, जो ब्रेन का ग्रे मैटर है उसमें रैपिड डिस्चार्जेस होते हैं, ठीक है, डिस्चार्ज होते हैं जो आयंस हैं, इस वजह से ये एपिलेप्सी जो है मेदी के दौरे पड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा बिफोर एज 30, ये बता दिया मैंने। अब देखिएगा ECG, इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है डेट्स कॉल्ड ECG, इलेक्ट्रोएनसेफलोग्राफी, ये टेस्ट किया जाता है बकायदा तौर पर, ठीक है, जिससे एपिलेप्टिक पेशेंट का जो है एग्जामिन किया जाता है रेगुलर, ओके। और इसकी ट्रीटमेंट जो है एंटी कन्वुलसेंट जो है ड्रग्स हैं, ठीक है ना, ताकि उनको दौरे न पड़े, बट इसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट कोई इलाज नहीं है, बट कंट्रोल हो सकता है विद मेडिसिन। और ऐसे पेशेंट जो अल्कोहल यूज़ करते हैं उनको तो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल इसको एग्रीवेट करता है, यानी बढ़ाता है, और अल्कोहलिक पेशेंट मतलब एपिलेप्टिक पेशेंट को अल्कोहल से अवॉइड करना चाहिए। ये भी ऐसे इसमें एक दो केसेस कुछ हैं आई थिंक वो जेनेटिक, ओवरऑल वैसे ये फैमिली में रन नहीं करती, ओके। दिस इज ऑल अबाउट एपिलेप्सी। और ये देखिएगा थर्ड वन जो है डेट इज़ कॉल्ड अल्जाइमर डिजीज़, ये जैसे कि नाम से जाहिर है अल्जाइमर, और एलोइस अल्जाइमर अल्जाइमर साइंटिस्ट था, ठीक है, जिसने इस पे काम किया, और ये डिक्लाइन इन ब्रेन फंक्शन, इसमें फिर ब्रेन की फंक्शन जो है डिक्लाइन हो जाती है, और इसको कंपेयर किया गया जस्ट लाइक अ डिमेंशिया, डिमेंशिया कहते हैं भूल जाने की आदत, मेमोरी लॉस। अक्सर क्या होता है कि किसी ने मोबाइल हाथ पकड़ा, मोबाइल ढूंढ पाते, मोबाइल कहाँ पे, ग्लासेस सर पे लगाई हुई हैं, पूरे घर ऑफिस में ढूंढ लिया ग्लासेस पता नहीं कहाँ हैं, तो ये मेमोरी लॉस होती है। ये खाना खा रहे भूल जाते हैं खाना खाया कि नहीं, कभी कभी तो वैसे एग्जर्शन हो जाती है वो और बात है, इंसान को चीज़ भूल जाता है वो और बात है, बट जो जो रूटीन में चीज़ें भूलते हैं डैट इज़ कॉल्ड डिमेंशिया लाइक अल्जाइमर डिजीज़, ओके। अच्छा, ये इसकी जेनेटिक केसेस भी सामने आए हैं, और इसकी और वजह है हाई लेवल ऑफ एल्युमिनियम इन बॉडी इन ब्लड, ठीक है। और ये जो फाइंडिंग हुई है इस अल्जाइमर डिजीज़ की क्रोमोसोम 14 पर हुई है, एंड LOCUS4 जो उसको लोकस पोजिशन 4 है उसकी जीन पे ये इफेक्ट हुआ है, और ये भी आफ्टर एज 50 जो है ज़्यादातर अल्जाइमर डिजीज़ के केसेस सामने आए हैं। अच्छा, अब एक देखिएगा टॉपिक है, ठीक है, ये तो तीन डिजीज़ हो गई, डिसऑर्डर्स हो गए, अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन कोऑर्डिनेशन इन नर्वस सिस्टम। यानी हम जनरली बात करेंगे कि देखिए लोग ड्रग्स यूज़ करते हैं निकोटीन, ठीक है, इसके अलावा हेरोइन एंड सो मैनी ड्रग्स, तो ये जो ड्रग्स हैं दीज आर बैडली इफेक्ट द नर्वस सिस्टम, ये इंसान की पर्सनैलिटी को भी इफेक्ट करती हैं, बट लोगों को समझ नहीं आती, इसलिए अवॉइड करना चाहिए इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन कोऑर्डिनेशन। इसमें क्या होता है जो लोग ड्रग्स यूज़ करते हैं ये ड्रग्स जो हैं ये हमारे सिस्टम को बूस्टअप करती हैं, हार्ट बीट को तेज़ करती हैं, और समटाइम शुरू में वोमिटिंग भी लोगों को होती है। इसमें क्या होता है कि इस इन ड्रग्स से क्या होता है कि बॉडी में डोपामाइन और केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, अब एक वक्त आता है कि बॉडी उन पर डिपेंड करना शुरू कर देती है, और वो जो केमिकल्स हैं वो जाके बाइंड करते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर, यू कैन सी दिस वन, ठीक है, यहाँ पे बाइंड कर जाते हैं, और क्या होता है कि नेचुरली जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं वो बनना बंद हो जाते हैं, फिर जब तक वो मेडिसिन नहीं मिलती तो फिर वो बूस्टअप नहीं होता। एक वक्त आता है कि बॉडी जो है वो अपना नेचुरल केमिकल प्रोड्यूस करना बंद कर देती है, ओके। तो इससे भी क्या होता है ऐसे लोगों की तलब जो है वो नीड बढ़ जाती है, दे डिपेंड मोर ऑन ड्रग्स, और ना मिले तो फिर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, और बॉडी शेकी समटाइम, आप अपने सराउंडिंग में देख सकते हैं ये ऐसा कुछ होता है, बट ये एक लानत है, ड्रग्स एक कर्स है, खुदा पाक मुझे और आपको हमेशा महफूज रखे, अवॉइड करना चाहिए हर तौर से, क्योंकि खुदा की रात जब इसको पसंद नहीं करती तो हम इंसान कौन होते हैं अक्लमंद की ड्रग्स को यूज़ करें। तो ये है एक्शन ऑफ निकोटीन, ठीक है, तो इसका बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है नर्वस सिस्टम पे, सर बता दिया, ठीक है, शुरू में वोमिटिंग भी होती है और फिर लोग ऐसे आदि हो जाते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन कोऑर्डिनेशन, ओके जी। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और फर्दर हम बात करेंगे नेक्स्ट, या आज कितने काफ़ी है, नेक्स्ट जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो हमारा होगा केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और ये हमने देखा सारा कैसे नर्वस सिस्टम पे ड्रग्स जो हैं अफेक्ट करती हैं, तो दिस वेरी सिंपल शॉर्ट, ये मैं एग्ज़ाम के हवाले से बात करूँगा,
एग्जाम में इसमें से ना कोई भी डिजीज़ आ सकती है, 3 मार्क्स की, 2 मार्क्स की, 2 मार्क्स का चूँकि शार्प क्वेश्चन होता है पिंडी बोर्ड में, तो 2 मार्क्स की पाकिस्तान डिजीज़ आ सकती है, या एपिलेप्सी या अल्जाइमर डिजीज़। ठीक है, इस ऑल अबाउट ओके, अपना हेल्थ का गॉड ब्लेस यू, खुदा हाफिज़, टेक केयर, सी यू।